हेलो, नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिशनल टेक्नो फार्मिंग में। और आज हम मैं आपके सामने एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिसके बारे में बहुत सारे किसान भाइयों ने या तो उसका नाम नहीं सुना होगा या फिर सुना होगा तो उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। तो अपन बात करेंगे आज अकरकरा की खेती के बारे में। अकरकरा एक औषधीय पादप है जिसका जो साइंटिफिक नेम है एनासाइक्लिस पायरेथ्रम है। इसकी फैमिली एस्ट्रेसी है। इसका आयुर्वेदिक में बहुत दवाइयों बनाने में उपयोग होता है, जैसे कि दमा, ज्वर, कफनाशक, पित्तनाशक या जो जीवाणुरोधी है या सूजन, जोड़ों की सूजन में इसमें काफ़ी उपयोग आता है। अब अपन बात करते हैं कि अकरकरा की खेती कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ इसकी खेती हो सकती है। तो अकरकरा की खेती भारत में, मध्य भारत में, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, गुजरात, इन इलाकों में हो सकती है। इसके लिए अपन को शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और यह जो रबी सीजन की फसल है इसको अपन रबी सीजन में सिंचित इलाके में बो सकते हैं। इसके लिए अंकुरण के समय इसका 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो तो अच्छा अंकुरण होता है, और बढ़वार के समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और जब ये पकने की अवस्था होती है तब इसका अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो तो अच्छे दाने बनते हैं और उत्पादन अधिक से अधिक होता है। अब अपन बात करते हैं इसके लिए भूमि की। तो किसान साथियों, अकरकरा एक मतलब जल सहिष्णु फसल, मतलब ये ज़्यादा जहाँ पर जल भरा हो जाता है या जल भर जाता है उस जगह अकरकरा की खेती नहीं होती है। इसलिए इसके लिए उचित जल निकास युक्त जीवांश मृदा, जो उपजाऊ हो, भुरभुरी हो, ऐसी मृदा आवश्यक होती है। एक दूसरा बात इसे ध्यान रखें कि अकरकरा की जड़ें जो छायादार स्थान होता है वहाँ पर इसकी जड़ें अच्छी ग्रोथ नहीं करती है, इसलिए इसको इसे खुले स्थान पर जहाँ पर अच्छी धूप आए वहाँ बोना चाहिए। और दूसरा, इसके लिए जो भूमि होती है उसका पीएच मान 6 से 7 के मध्य हो और अच्छी उपजाऊ हो और जिसके खेत की तैयारी की। तो अकरकरा के लिए अपन को भुरभुरी मृदा चाहिए। इसके लिए अपन को खेत में एक दो गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ दें, उसके बाद में उसमें गोबर की खाद मिलाकर आखिरी जुताई करके खेत को समतल कर देवें ताकि खेत में अच्छा भुरभुरापन हो जाए। अब उसके बाद बात करते हैं अपन इसके अकरकरा को कैसे बोएं या फिर इसकी मतलब क्या विधि रहेगी ताकि ये बीज द्वारा बोएं या पौध लगाकर। तो किसान साथियों, अकरकरा को अपन डायरेक्ट सीधा बीज से के माध्यम से कल विधि या छिड़काव करके भी खेत में बो सकते हैं, और एक इसका एक रुपए से एक महीने पहले इसको प्रोट्रे में रोप कर इसकी पौध भी तैयार कर सकते हैं। और जब एक महीने बाद पौध तैयार हो जाती है तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में आप इसको खेत में लगा सकते हैं। अब इसको लगाने की विधि क्या रहती है, तो किसान साथियों, अगर आप बीज के माध्यम से सीधा बुआई करना चाहते हैं तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में खेत में बीज को गौमूत्र से उपचारित करने के बाद में छिड़काव विधि से छिड़क सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर होना चाहिए और बीज 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई से अधिक ना जाए। और अगर आप पौध तैयार करके नर्सरी में पौध तैयार करके लगाते हैं तो एक महीने पहले पौध तैयार कर लें, उसको खेत में रोपने से पहले 15 सेंटीमीटर दूरी पर रोपें और जो उसकी जो जड़ है उसको 4 से 5 सेंटीमीटर। दोस्तों, अपन अब बात करते हैं अकरकरा के लिए कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप सीधी बुआई करना चाहते हैं अगर बीज से फुकल विधि से तो आपको 3 से 5 kg पर एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर आप पौध तैयार कर रहे हैं तो 2 से 3 kg सीड प्रति एकड़ के हिसाब से आवश्यकता पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात है इम्पोर्टेंट, अगर आप पौध तैयार करते हैं तो उसको रोपने के लिए शाम के टाइम पर रोपें तो अच्छे अंकुरण होगा और पौधे जमने की संभावना अच्छी रहेगी। तो बीज को गौमूत्र से उपचारित करके जरूर बोएं। अब अपन बात करते हैं इसमें सिंचाई की। तो किसान साथियों, अकरकरा एक सिंचित फसल है, इसको 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इसमें पहली सिंचाई तो बुआई के तुरंत बाद, अगर आप फुकल विधि से बीज बो रहे हैं तो उसके तुरंत बाद, और पौधे लगा रहे हैं तो भी उसके बाद तुरंत बाद सिंचाई अवश्य करें, और एक 5 से 7 दिन बाद नमी बनाए रखें ताकि अंकुरण अच्छे से हो, और उसके बाद में 30 दिन के अंतराल में आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इसमें खरपतवार नियंत्रण की। तो किसान साथियों, अकरकरा में खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से निंदाई गुड़ाई बहुत आवश्यक है। मतलब इसमें रासायनिक नियंत्रण न करें। रासायनिक नियंत्रण करने से क्या होगा, इसमें पौध की बढ़वार रुक जाती है और उत्पादन में भी इफेक्ट पड़ता है, और ये औषधीय पादप है तो इसमें अगर रासायनिक नियंत्रण न करके हाथ से निंदाई गुड़ाई करें तो वो अंकुरण के 20 से 30 दिन बाद आप एक हाथ से निंदाई गुड़ाई करें, और उसके बाद में 30 दिन के अंतराल पर दूसरी और तीसरी निंदाई गुड़ाई भी आप कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इसमें खाद व उर्वरक की। तो दोस्तों, अकरकरा एक औषधीय पादप है तो इसमें अपन रासायनिक खाद न डालें तो अच्छा रहेगा। इसमें अपन 8 से 10 क्विंटल अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप वो डाल सकते हैं, और अगर आपको मान लो जरूरत हो रही है ऐसी का आपके खेत में न्यूट्रिएंट की कमी है तो आप एनपीके का 19:19 का जो आता है वो एक कट्टा आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अब अपन बात करेंगे इसमें रोग बीमारियों की। तो किसान साथियों, जहाँ तक मैंने देखा है या पढ़ा है
उस हिसाब से अगर करा में भी ऐसी कोई खास बीमारी और इंसेक्ट नहीं है तो इसमें बीमारी और कीट का प्रकोप तो नहीं हो। अब मैं कह रहा था जैसे कि इसमें बीमारी तो नहीं लगती, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें कि जहाँ पर जल भरा हो वहाँ पे इसको न बोए, नहीं तो असल फसल सड़ जाएगी। अब अपन बात करते हैं इसकी खुदाई कब और कैसे करनी चाहिए। तो जब फसल की पत्तियाँ पीनी पड़ने लग जाए और रुपाई के 5 से 6 महीने बाद, तब उस टाइम इसकी खुदाई करनी चाहिए। तो इसकी खुदाई अपन या तो हाथ से कर सकते हैं मजदूरों के द्वारा, और या फिर गहरी मिट्टी पलटने वाले हल से आप खुदाई कर ले। खुदाई करने से पहले एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो बीज वाले डंठल होते हैं जिन पे जो बीज लग रहे थे उनको काट कर अलग कर ले और उनको धूप में सुखा ले। और जब आप खुदाई कर ले तो खुदाई करने के बाद में आप पौधे से जड़ को अलग काट कर 3-4 दिन के लिए मध्यम धूप में छाया में सुखा लें और उनको अलग काट कर बोरों में भर ले। अब अपन बात करते हैं इसमें इसकी जड़ को कहाँ बेच सकते हैं, इसका क्या भाव रहता है और कितना उत्पादन होता है। तो किसान साथियों, ये 5 से 6 महीने की ड्यूरेशन की क्रॉप है, तो इसमें आप देखते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से 1.5 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से तो बीज का उत्पादन हो सकता है और 8 से 10 क्विंटल जो जड़ होती है वो निकल जाती है। और इसका जो भाव रहता है वो जो बीज का भाव रहता है वो 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहता है, और जो जड़ रहती है उसका भाव आप 20 से 40 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल की दर से इसका भाव रहता है। और ये जो राजस्थान और MP के लोगों के लिए जो नीमच मंडी है, ये अच्छी औषधीय फसलों के लिए अच्छी मंडी है, यहाँ पर आप इसको बेच सकते हैं। और अगर आपको इसका बीज चाहिए तो आप नीमच मंडी में जो खाद बीज भंडार की दुकानें हैं वहाँ से आप इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर जो रेगुलर किसान इनको बोते हैं उनसे। किसान साथियों, अगर आपको अकरकरे की खेती जो औषधीय फसल है इसकी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।